लग रही तेरे को गर्मी? नमस्ते जी। जी हाँ, कि तुसे पता है कि मेरा नाम रजनी है, ते मैं जम्मू दी कुड़ी हाँ। ते मैं आज थोड़े वास्ते एक और नवी डिश लेके आई हाँ। आई होप कुछ लोगों के पता भी हो, इसी छुआरे वाला मद्रास दे विच कुछ ड्राई फ्रूट्स पौंदे, दूध पौंदा है, खोया पौंदा है। आई होप तुसे ये पसंद आओ। छुआरे का मद्रा बनाने के लिए हमें चाहिए 8-10 छुआरे, थोड़े से किशमिश, आधी कटोरी बादाम भिगोए हुए और छिलका निकाला हुआ, काजू आधी कटोरी, नारियल सूखा वाला, खोया 250 ग्राम, 1.5 गिलास दूध, सौंफ, हल्दी, नमक, केसर भिगोया हुआ और पौनी कटोरी चीनी। सबसे पहले कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच देसी घी लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम जो ड्राई फ्रूट है उसको फ्राई करेंगे। अभी घी गरम हो गया है और हम इसमें ड्राई फ्रूट को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बादाम डाला। ठीक, काजू को फ्राई करेंगे। ये मैं हल्के हल्के काजू को फ्राई कर रही हूँ। अभी काजू भी हल्के ब्राउन हो गए हैं और मैं इसको अब बाहर निकाल रही हूँ। अब मैं इसमें सूखे नारियल के मैंने टुकड़े कर लिए। ये नारियल जो है बहुत जल्दी से सिक जाता है, तो इसे हमें फटाफट बाहर निकालना होगा। अब मैं इसमें छुआरे डाल रही हूँ, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इसको छुआरे का मदरा इसलिए कहते हैं कि पुराने टाइम में जम्मू में लोगों के घर मेहमान आते थे और वो उनके लिए मेहमान नवाजी के लिए एक कुछ बेहतर डिश बनाना चाहते थे, लेकिन लोग ज्यादा अमीर नहीं होते थे, इसलिए वो बाकी ड्राई फ्रूट की जगह छुआरे ज्यादा इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी आज के टाइम में हम सबके घर में अच्छी तरह ड्राई फ्रूट होता है, तो हम लोग इसको और भी ज्यादा रिच बना सकते हैं। अब मैंने इसमें मोदी केयर का काऊ घी डाला है, इससे जो खाने में घी की खुशबू है बहुत अच्छी आती है। सौंफ का तुड़का देंगे इसमें और इसके साथ ही हम इसमें धीरे से दूध डालेंगे। ये दूध जो है हमारा, जैसे कि आपको पता है, ये 1.5 कप दूध है, हम इसको इसमें डालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दूध उबल चुका है और मैं इसमें हल्का सा नमक, क्योंकि ये थोड़ी सी मीठी सब्जी रहेगी तो नमक बिल्कुल हल्का सा इसमें डलेगा मात्र थोड़े टेस्ट के लिए। और इसके साथ ही मैं अब इसमें चीनी भी डालूंगी और इसमें कुछ लोग इसमें हल्दी भी डालते हैं, लेकिन मैंने हल्दी की जगह इसमें केसर को इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। जैसे कि इसमें नमक और चीनी मिक्स हो गए हैं, अब मैं इसमें थोड़ा सा ये 100 ग्राम के बराबर खोया है इसको डाल रही हूँ। तो आपने ऐसे ही इसके बीच में मिक्स कर देना है और इसको भी हमने पका लेना है इसके साथ। तो खोया जो है इसके बीच में पूरा घुल चुका है और अब मैं इसके साथ ये काजू और बादाम एक साथ डाल रही हूँ, ताकि ये इसमें अच्छे से सॉफ्ट होकर पक जाए। साथ ही नारियल और छुआरा भी, ये दूध में जाके एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। ये मैं इसके साथ केसर दूध में घुला हुआ ये भी साथ में ही डाल रही हूँ, ताकि इसकी रिचनेस और इसका जो टेस्ट है केसर का, वो भी इसमें एक साथ आ जाए। आपको लग रहा होगा कि ये सारे ड्राई फ्रूट और ये सब काफ़ी गर्म होगा, लेकिन इसमें जब हमने इसको फ्राई कर दिया, दूध में डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली इसकी जो तासीर है वो चेंज हो जाती है और हम इसको एक सब्जी के तौर पर और एक स्वीट डिश के उससे भी खा सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसको बॉईल कर रही हूँ, ताकि ये एक बार अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और ये जैसे जैसे कढ़ाई को चिपकना शुरू हुआ है दूध, इससे पता चल रहा है कि ये बन चुका है। अब ये बन चुका है और लास्ट में मैं इस पर किशमिश डाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि किशमिश पहले डालने से दूध जो है फट जाता है, इसलिए हमें इसको लास्ट में ही डालना है जब ये पूरी तरह बन जाए। लो जी, छुआरे वाला मदरा तैयार है। ते मैं इसी नान करने
टेस्ट करगी। वैसे ये जो कॉम्बिनेशन है खमीरे कने जो मैं पिछली बार बनाए है खमीरा ते छुआरे का मदरा, ये बहुत ही अच्छा स्वाद आंदा है। तो मैं तुसें ये टेस्ट करके दसती हाँ कि टेस्टी बनया है। बहुत स्वाद अलग, मैं छुआरे खाइए दसती हाँ, क्रंची सॉफ्ट टेस्टी मिठा नमकीन सारी चीजें का स्वाद है। एक बात मैं ना आप सारों से जरूर शेयर करना चाहूंगी कि ये जो सब्जी है ये जो डिश है मेरे मदर बनाया करते थे बहुत साल पहले। मुझे बस इस डिश का सिर्फ एक टेस्ट हल्का सा याद था कि कुछ मम्मी बनाते थे और मुझे याद नहीं आ रहा था वो कैसा था कैसे क्या चीजें डलती थी। तो मुझे इसको पता करने के लिए बहुत सारे पुराने लोगों से जम्मू के लोगों से बात करी मैंने कि भाई इसको कैसे बनाते हैं। 3-4 बार ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को वो मुझे मिले, इसको मैंने बनाया है। और मैं यही आप सब से गुजारिश करूंगी कि आपके मदर और आपको उनके हाथ के खाने वो स्वाद अगर आपके अंदर है और आपकी माँ आपके पास है तो आप जरूर उनके हाथ से वो बनी हुई चीजें आज ही सीखिए, क्योंकि ये स्वाद सब खत्म हो चुके हैं, ये टेस्ट सब जा चुके हैं, लोगों को इस डिश के बारे में ही मालूम नहीं है। ये हमारी पुरानी धरोहर है जो हमें अपने साथ रखनी चाहिए और इसको आगे लेकर चलना चाहिए। थैंक यू।